बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी। करीब 48,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में 83 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अभी नया सेशन शुरू हुआ था या कहीं कुछ कोर्सेज में शुरू हो रहा था, लेकिन अचानक स्टूडेंट्स को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी अगले आदेश तक बंद है। छात्रों को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में देश भर के छात्र दो गुटों में बटे हुए हैं। बांग्लादेश के लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। देश भर में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी, पत्थरबाजी, गोलीबारी हो रही है। लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं, जुबा पर नारे हैं। पुलिस पैलेट गन, टीयर गैस, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है। कई शहरों में फौज तैनात है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, इंटरनेट सब बंद है। 39 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल है। अब सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी हिंसा क्यों हो रही है? केंद्र में सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण है। प्रदर्शनकारी इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं और एक दूसरा धड़ा है जो सुधार की इन मांगों का विरोध कर रहा है। 1 जुलाई से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे अब हिंसक हो गया है। स्थिति बेकाबू होती जा रही है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए 56% आरक्षण है। सबसे ज़्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले लोगों के परिवार के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए 10-10% और बांग्लादेश के मूल निवासी के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए भी आरक्षित हैं। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर कम्पीट कर सकता है। सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी है। कोटा सिस्टम का विरोध में एक बड़ी वजह ये भी है, लेकिन विरोध कोई अभी का नहीं है, 2018 में भी हुआ था। वो आरक्षण के खिलाफ पहला बड़ा प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट की शुरुआत तब राजशाही यूनिवर्सिटी से हुई थी, धीरे धीरे ढाका और दूसरे शहरों में फैलता गया। तब हिंसा का आरोप बांग्लादेश छात्र लीग यानी BCL पर लगा। BCL प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। तब सरकार पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए। 5 जून 2024 को फैसला आया। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया। पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू करने के लिए कहा। छात्रों ने फिर विरोध किया, फिर प्रोटेस्ट हुआ, पहले शांतिपूर्ण फिर हिंसक। 15 जुलाई को हालात ज़्यादा बिगड़ गए। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक BCL कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हुई। ढाका यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजों में हिंसा के अंश पहुंचे। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। स्कूल, कॉलेजों को, हॉस्टलों को बंद कर दिया गया। देश भर में 4G सेवाएँ बंद कर दी गईं, सिर्फ 2G सेवाएँ चल रही हैं। पूरा बांग्लादेश तनाव में है, ठप पड़ा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कई रोड्स पर रेल सेवाएं और मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई। कई शहरों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को तैनात कर दिया गया है। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुनवाई 7 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल सुधरती नहीं नजर आ रही। आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।